नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। खबर है राजधानी जयपुर से। जयपुर में कांवड़ ला रहे श्रद्धालुओं पर पथराव, माहौल तनावपूर्ण, पुलिस ने संभाला मोर्चा। जयपुर शहर में सावन के आखिरी रविवार पर कांवड़ यात्राओं की भरमार रही। गलताजी से काफी संख्या में कांवड़ यात्राएं निकाली गई। इसी दौरान शाम को चार दरवाजा से कांवड़ ला रहे श्रद्धालुओं पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं सूचना पर तत्काल पुलिस ने क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया। जानकारी के अनुसार रविवार शाम गलताजी से कांवड़ ला रहे श्रद्धालुओं की यात्रा जब चार दरवाजा पहुंची, इस दौरान वहां चल रहे डीजे और बम बम भोले के नारों के बीच अज्ञात लोगों ने कांवड़ यात्रा पर पत्थर फेंक दिए, जिससे कुछ लोगों की चोटें आई। वहीं पथराव के इस घटना के बाद श्रद्धालु और स्थानीय लोग आमने सामने हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला। पुलिस ने पथराव में घायल हुए लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। वहीं श्रद्धालु पथराव करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करके अड़े रहे। सूचना पर क्षेत्र में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी भेजा गया। पुलिस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं साथ ही पथराव करने वाले अज्ञात लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। सावन के अंतिम सोमवार और बकरा ईद के चलते शहर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया है। शहर में पुलिस के जवान पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। वहीं परकोटी के जौहरी बाजार में ईद की नमाज और गलता से कांवड़ यात्राओं के चलते पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था की है, ताकि आम नागरिक को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सके चलते सोमवार को परकोटे में रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। वहीं शहर के प्रमुख जौहरी बाजार, रामगंज बाजार में नो पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है,